Hello viewers! वेलकम टू कम्पीट आई क्यू योर गेट वे टू एग्जाम सक्सेस आज हम करेंगे टॉप ट्वेंटी फाइव जी के जी एस एम सी क्यू पी वाई क्यू प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जी के जी एस पूछा जाता है लाइक एस एस सी एग्ज़ाम्स स्टेट एग्जाम्स रेलवे एग्जाम्स देन बैंक एग्जाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स एक्सेट्रा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पंडित भीमसेन जोशी आप पिक्चर दिख के बता सकते हैं ही इज़ अ फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकेलिस्ट तो करेक्ट आंसर इज हिंदुस्तान म्यूजिक वोकेलिस्ट द क्षत्रिया डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट क्षत्रिया डांस जो है वो आसाम से बिलोंग करता है क्षत्रिया डांस सत्र से ओरिजिनेट हुए थे एंड किसने किया था देन शंकर देव ने शंकर देव कौन है आसाम के एक बहुत ही फेमस सेंट है वैष्णविज्म रिफॉर्मर सेंट जिन्होंने ये डांस फॉर्म ओरिजिनेट किया था एंड ये डांस किस डांस से इन्फ्लुएंस्ड है देन भारतनाट्यम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछा जाता है बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आसाम हाउ मेनी कंट्रीज शेयर द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द सी कितने कंट्रीज शेयर करते हैं सी का हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज देन फाइव कंट्रीज व्हाट आर दोज फाइव कंट्रीज देख लेते हैं एक बार दे आर अजरबैजान ईरान कजाकिस्तान रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान ये फाइव कंट्रीज जो है सी का नेचुरल हेरिटेज शेयर करते हैं देन हु एमोंग दी फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस क्वासाई फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासाई फेडरल केसी वेयर ने डिस्क्राइब किया था वाई देन क्वासाई फेडरल मतलब क्या Federalism का मतलब होता है एक कंट्री में स्टेट का भी पावर रहेगा एंड सेंट्रल का भी पावर रहेगा एंड एकवल पावर रहेगा अगर स्टेट चाहे तो सेंटर के साथ रह भी सकता है एंड अगर चाहे नहीं भी रह सकता ये इतना पावरफुल रहता है इक्वल पावर रहता है बट इंडिया में फेडरल फॉर्म होने के बाद भी सेंटर का ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू स्टेट एंड स्टेट अपने मनमर्जी से सब काम नहीं कर सकता इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासाई फेडरल डिस्क्राइब किया था एंड ये टर्म दिया था किसने देन केसी वेयर ने तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केसी वेयर आला जिलई बाई अ सिंगर फ्रॉम राजस्थान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आला जिलई बाई जो है शी इज फेमस फॉर हर फोक सॉन्ग्स राजस्थानी फोक सॉन्ग्स ये राजस्थान की सिंगर है टू कॉम्बेट इन्फ्लेशन विच इज दूसअल मॉनिटरी पॉलिसी स्टेंस अडॉप्टेड देखिए इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए दैट इज़ रिड्यूस करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया जाता है वो है हॉकिश हॉकिश में क्या होता है जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन कम जाए एंड डॉविश में क्या होता है डॉविश इन्फ्लेशन uh, को सपोर्ट करता है पॉजिटिवली इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज करके एंड हॉकिश एंड डॉबिश का कभी कभार ये मॉनेटरी पॉलिसीज है जिनका डिफरेंस भी कभी कभार पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल हॉकिश में क्या होता है हॉकिश में करेंसी को अप्रिशिएट किया जाता है देन इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है ये एक कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी है जिसको इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है वेर एस जो डॉबिश है डॉबिश में करेंसी को डिप्रिशिएट किया जाता है करेंसी का वैल्यू कमाया जाता है इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया जाता है ये एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिस जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना पूछा जाता है एग्जाम्स में फ़िलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हॉकिश फेमस सिंगर तीजन बाई इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग म्यूजिक तीजन बाई इज़ फेमस पंडावनी सिंगर पंडावनी फोक म्यूजिक से एसोसिएटेड है करेक्ट आंसर इज पंडावनी हुइच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाई भीषम शाहनी भीषम शाहनी का जो फेमस नॉवल है वो है फॉलोइंग ऑप्शन में से तमस ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में आप लोग याद रखना वट इज़ द रोल ऑफ रिबोसोम्स ऑफ अ पॉलिसोम रिबोसोम्स का जो रोल होता है पॉलिसम में वो होता है टू ट्रांसलेट दी एम आर एन ए प्रोटीन्स रिबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए ये है पिक्चर में ये एम आर एन ए को प्रोटीन्स में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करता है इन्हें पॉलीसोम, पॉलिसोम जिसको पॉलीरिबोसोम भी कहा जाता है वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ सिंगल टीम ऑन द फ्लोर एट वट टाइम इन अ बास्केटबॉल गेम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स जो रहते हैं एक सिंगल टीम में ये देखिए सिंगल टीम में पूछा है बास्केटबॉल में ऑन द फील्ड देन इट इज़ फाइव तो करेक्ट आंसर इज फाइव हु साइंथिसाइज एसिटिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम एसिटिक एसिड को फर्स्ट टाइम के लिए जिन्होंने साइंथिसाइज़ किया था वो थे कॉल्बे कॉलबे जी का फुल नेम हम लोग देख लेते हैं हिस फुल नेम इज़ एडॉफ विलहम हॉर्मन कॉलबे ये फुल नेम आप लोग याद रखना कभी अगर फुल नेम दे दिया नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए एसिटिक एसिड को साइंथेसाइज किया था दी नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय विच ऑफ़ दी फॉलोइंग ऑथर्स हम सभी को पता है ट्रेन टू पाकिस्तान फेमस ऑटोबायोग्राफी है ऑफ खुशवंत सिंह तो करेक्ट आंसर इज़ खुशवंत सिंह खुशवंत सिंह जी का कुछ और इंपॉर्टेंट अदर नॉवल्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं हम लोग देख लेते हैं दी हिस्टोरी ऑफ सिक्स दिल्ली अ नॉवल ट्रुथ लव एंड मलाइस

इट इज़ वाइडली यूज इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज फर्टिलाइजर एंड रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यूज होता है देन एमोनिया एमोनिया को क्या कहा जाता है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड ये भी कहा जाता है ये इसका सिस्टेमेटिक नेम है किसका एमोनिया का तो करेक्ट आंसर इज एमोनिया रामा वैद्यनाथन इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हुई चौंती फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म्स आप लोग कॉस्ट्यूम देख के ही बता सकते हैं रामा वैद्यनाथन जो है शी इज अ फेमस भारतनाट्यम डांसर दो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम एज पर कोडिंग कन्वेन्शन ऑफ इंडियन सेंसेस हाउ मेनी डिजिट कोड इज यूज फॉर स्टेट कोड्स कितना डिजिट का कोड रहता है स्टेट में देन इट इज़ टू डिजिट कोड फॉर स्टेट कोड एज पर कोडिंग कन्वेन्शन ऑफ इंडिया सेंसेस इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लोना यूज लोना किस फॉलोइंग ऑप्शन में से किस गेम में यूज होता है देन करेक्ट आंसर इज पिक्चर देख के आप बता सकते हैं इट इज कबड्डी कबड्डी में लोना यूज होता है और जो अदर टर्म्स से इंपॉर्टेंट कबड्डी में यूज होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है रेडर्स एंटी रेडर्स टैग मिडलाइन लोना रेड एट्सेट्रा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कबड्डी कमलिनी अष्टना एंड नलिनी अष्टाना आर नोन फॉर देर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स कमलिनी अष्टाना एंड नलिनी अष्टाना आर फेमस कथक डांसर तो करेक्ट आंसर इज कथक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन इज़ द कलेक्टिव मेमोयर ऑफ देश ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन किसने लिखा है दैन करेक्ट आंसर इज नीरज श्री चौधरी रॉट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन ये इनका कलेक्टिव मेमोयर है

जिससे हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट होता है एंड वही अगर हाई कोर्ट का बात करें तो हाई कोर्ट ये फाइव फाइव रिट्स रिट्स अंडर आर्टिकल 226 इशू करता है वो टाइप्स के कौन से हैं देन हैबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो ये फाइव टाइप के रीट्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आप लोग याद रखना फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज